नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन आज नगर पालिका परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में शहरी आजीविका मिशन में जिन प्रतिभागियों को लोन सुनिश्चित हुआ था उन्हें लोन के सर्टिफिकेट बांटे गए। साथ ही संबल योजना के सभी हितग्राहियों को कार्ड भी वितरित किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का उद्बोधन लाइव सुनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में हितग्राही एवं कार्यकर्ता तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संबल योजना में छोटे व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को भी जोड़ने का निर्णय लिया है। संबल योजना का लाभ छोटे व्यवसाय भी उठा सकते हैं। जीरो हो जाएगा। मेरे विधायक साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रतिनिधिगण भी बैठे, सब इस काम में लग के गरीबों की मदद करें, छोटे विक्रेताओं की मदद करें। ये भी गरीब है, कहां से लाख लाख पचास पचास हजार का बिजली का बिल भरेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? और बोल के बताओ बात कर रहे हैं ठीक है? तो चार वर्ग और फिर पंखा भी चाहिए, नहीं तो मच्छर खा जाएंगे। पंखा चाहिए कि नहीं चाहिए? और एक चाहिए कि दो चाहिए? अरे एक मम्मी पापा को और एक भांजे भांजियों को, दो तो होना चाहिए। एक दिक्कत गरीब को कई बार आती थी और बड़ी दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि बिजली के बिल बहुत बड़े बड़े आ जाते थे, गांव में भी शहरों में भी। मैं जहां जाता था वहां गरीब भाई बहन मिलते थे। आप भी छोटे छोटे विक्रेता है, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, मेहनत मजदूरी है वो भी। अब बिजली का बड़ा बिल आ जाए तो बिजली कहां से भर दें? एक लाख का कितने का है? बोले एक लाख का। इनका दिया कब से नहीं? बोले दिया तो तब से नहीं जब से तुम बने हो मामा, दिया ही नहीं हमने तो। इनका इसलिए तो बड़ा बड़ा हो गया। अब आप सुन लो, जितने ये बड़े बिजली के बिल है इस योजना में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकली बड़े ही धूमधाम से। गुना में प्रथम बार निकली भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा, लेकिन इस शोभा यात्रा में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की जगह भगवान जगन्नाथ की चरण पादुकाएं रथ में विराजमान थीं। यह शोभा यात्रा शहर के हनुमान चौराहे से प्रारंभ होकर जयस्तम चौराहे से होते हुए सदर बाजार घूमती हुई हनुमान चौराहे के पास पहुंची। इस यात्रा में जगह जगह लोगों ने भगवान जगन्नाथ की चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना की। वहीं शोभा यात्रा में भारी मात्रा में पुरुष, महिलाएं व बच्चे शामिल हुए। रक्षाबंधन के त्योहार के चलते बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई। रेलवे स्टेशन पर जहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। Thank you.
त्योहार आते ही बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। सदर बाजार में आज दिन भर कई बार जाम की स्थिति निर्मित हुई। वहीं यातायात पुलिस सदर बाजार में यातायात को सुचारू रूप से चलाने में भी खरी नहीं उतर पा रही, जिसके चलते बार बार जाम लग जाते थे। इसके साथ ही राखियों की दुकानों भी सज गई हैं, जिन पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं महिलाएं अपने भाइयों के लिए मनपसंद राखी खरीदने की होड़ में दुकानदारों से मोल भाव करती हुई नजर आईं। प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का आज विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसको जिला एवं सत्र न्यायालय में रखा गया। वहीं न्यायालय परिसर में इस लोक अदालत के चलते किसानों के सभी केस माफ किए गए। इसके साथ ही घरेलू श्रमिक कार्ड धारकों को भी बिल माफ किए गए, पर यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने केसों का निराकरण आज इस विशेष लोक अदालत में किया गया। कल हमारे द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें चांचौड़ा विधायक ममता मीना की गाड़ी से यातायात प्रभारी द्वारा हूटर निकालने की बात कही गई थी, जो कि गलती से हमारे द्वारा प्रकाशित कर दी गई थी, जबकि ये गाड़ी एक पूर्व विधायक की थी जिससे हूटर निकाले गए थे। हम अपनी तरफ से इस खबर के लिए खेद व्यक्त करते हैं कि हमारी तरफ से गलती से ये खबर प्रकाशित की गई थी। वहीं निर्वाचन आयोग के आदेश की पूर्ति करने के लिए चांचौड़ा विधायक ममता मीना ने अपनी गाड़ी से स्वयं ही हूटर निकाल दिए, जिसकी पुष्टि यातायात प्रभारी ने डीजीएनएन न्यूज से की है। दिशा निर्देश है, उसमें लगभग सभी गाड़ियों के हूटर लगाए हैं, केवल उनमें वही गाड़ियों के हूटर लगे रहे हैं जो कार पालिक मजिस्ट्रेट हैं या जो गाड़ियाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगी हुई हैं, जैसे पुलिस विभाग की गाड़ियाँ हैं और अपने प्रशासन में जो मजिस्ट्रेट हैं कलेक्ट्रेट में, उन लोगों की गाड़ियाँ हैं तो उन पर हूटर रहेंगे। बाकी एम्बुलेंस और फायर की गाड़ियाँ हैं उन पर भी। किन किन ने अपनी सुरक्षा से हटा दी और किन के आप लोगों को हटवाने पड़े? बहुत सारी गाड़ियों का हमने दो दिन से जो अभियान चलाया है उसमें लगभग 17-18 गाड़ियों के हूटर लगाए हैं और कुछ लोगों ने स्वेच्छा से हूटर लगाए। विधायक महोदय का क्या? हाँ, विधायक महोदय की बिना कहीं विधायक की गाड़ी कल रोकी गई थी, तो उस समय विधायक मैडम तो नहीं थी गाड़ी में, उनका चालक था और एक कार्यकर्ता, तो उनको बताया गया तो थोड़ा उन्होंने बहस जरूर की, लेकिन उसके बाद में विधायक साहब के साथ संपर्क किया गया तो उन्होंने बोला अगर ऐसे निर्देश हैं तो स्वेच्छा से ही हूटर को हटा दिया जाएगा। उसी क्रम में आज उन्होंने स्वेच्छा से हूटर को हटा दिया है और पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है। खेसरा फाटक के पास आज 19 वर्षीय युवक की लाश मिलने से क्षेत्रवासी सकते में आ गए। वहीं मृतक की पहचान लक्ष्मण अरिवार निवासी चौरसिया कॉलोनी के रूप में हुई है। लक्ष्मण मजदूरी का कार्य करता था एवं रोज की तरह वह आज भी सुबह मजदूरी के लिए जा रहा था। वहीं अमृतसर चंडीगढ़ ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि चौरसिया कॉलोनी के रहवासी रोज इसी तरह से रेलवे ट्रैक पार कर अपने कामों पर जाते हैं।
हरियाणा न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।